बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुखसाना खालिद, आप देख रहे हैं देसी फैमिली किचन। एक नए तरीके से आलू वाले पराठे तैयार करने लगे, जिसके लिए हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं 3 पाव। आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। आप चाहे हाथों की मदद से कर लें, चाहे मैशर से कर लें, वो आपकी मर्जी है। आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लिए। खाना खाने वाले 4 चम्मच सब्ज धनिया, खाना खाने वाले 4 चम्मच सब्ज मिर्च, सब्ज मिर्च का बिल्कुल बारीक काटा है हमने। खाना खाने वाला 1 चम्मच हल्दी, खाना खाने वाला 1.5 चम्मच नमक, खाना खाने वाला 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, खाना खाने वाला 1/2 चम्मच साबत जीरा। इसको हाथ की थैली पे मसल के डालेंगे, इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। खाना खाने वाला 1.5 चम्मच खुशक धनिया, इसको भी हाथ की थैली पे मसल के आपने डालना। 1 अदद इसमें लीमू का रस डालेंगे। लीमू का रस डालने से पराठे बहुत ही मजेदार तैयार होंगे। इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीजें अच्छे तरीके से मिक्स कर ली और पराठा बनाना शुरू करते हैं। एक सिंपल हमने पेड़ा कर लिया, इसको इस तरीके से हाथ की मदद से बेलते हैं और फिर इसको खुशका लगाते हैं। इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार करते हैं। रोटी हमने बेल ली है, रोटी हमने बेल ली है, जो आलू का मिक्सर तैयार करके रखा है वो पूरी रोटी पे लगाएंगे। रोटी के ऊपर सारे आलू लगा लिए, अब इसकी कटिंग करते हैं। फाबी अलाई रब्बी कुमा तुका जीबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। कटिंग करने के बाद एक एक पीसेस को इस तरीके से रोल करते जाएंगे। इस पीसेस को उठाएंगे और दूसरे पीसेस पे रखेंगे, फिर से इसको घुमाते हुए इसको रोल करते जाएंगे। इसी तरीके से तमाम पीसेस को रोल कर लेते हैं, इसका एक पेड़ा तैयार करते हैं। ये देखे, देखने में इतना बड़ा पेड़ा लग रहा है, लेकिन हमारी उतनी ही रोटी तैयार होगी जितनी हमने पेड़ा बनाया था। आलू के पराठे का हमने पेड़ा तैयार कर लिए, इसको लगाते हैं खुशका। खुशका लगाने के बाद हाथ की मदद से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर लेंगे। अब बेलन की मदद से इसको बेल लेते हैं। आलू का पराठा हमने बेल लिया, अब इसको चलते हैं पकाने की तरफ। तवा हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया, इसके ऊपर हमने घी भी लगा दिया। जो पराठा तैयार किया है वो इसके ऊपर डालते हैं। पराठे को इस तरीके से आराम से आपने रखना है, बाद में इसको सेट कर लेना है। थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से इसको पकने देते हैं, फिर इसके ऊपर घी लगाते हैं। पराठा हमारा पक चुका है एक साइड से, तो हम पलटने से पहले इसको घी लगाएंगे। आप अगर ज्यादा घी पसंद करते हैं तो ज्यादा लगा लें, कम पसंद करते हैं तो कम लगा लें, वो आपकी मर्जी है। आलू वाला पराठा वैसे ज्यादा ही घी में अच्छा लगता है, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा ही लगा रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना जबरदस्त हमारा पराठा तैयार हुआ है। थोड़ा सा डालते वक्त टूटा था, लेकिन मैंने इसको सेट कर दिया। तो इसको आपने घुमाते हुए पकाना है ताकि सारी साइडों से ये पक जाए। अब दूसरी तरफ भी इसको घी लगा देंगे। उल्टाते पुलटाते हुए इसको हमने पका लेना अच्छे तरीके से। ये देखें, दूसरी तरफ मैंने किया है तो इसका कितना प्यारा सा कलर आया है। घी लगाने से आलू वाले पराठे की लुक ही चेंज हो जाती है। वाले पराठे की एक खास बात ये है कि इसमें आलू भी ज्यादा लगेंगे और ये नरम भी तैयार होगा और क्रिस्पी भी। तो दूसरी तरफ से भी दिखा देती हूँ कितना प्यारा सा कलर आया है। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना जबरदस्त कलर आया। पराठा हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसको छाबे में निकालते हैं, आपने रुमाल बिछा लेना। अगर आप इस तरीके से मेहमानों को पेश करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखें, पराठे को मैंने एक छाबे में निकाल लिया, तो देखने में ही इतना जबरदस्त लग रहा है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। इसको तोड़ के आपको दिखाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।